Okay, students, this is exercise C on page 17. Word structure, write words that end with the same letter. अब आपने क्या करना है, आपको ये letters given है NT, AN, ONE, AT and ARK. यहाँ पर आपको कुछ words भी given है, for example, first number में आपको paint given है, second में then है, and third में phone, and fourth में है flat. फिफ्थ में है स्टार्ट. तो अब आपने यहाँ पर ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो हर एक में जो लेटर्स जो है वो लास्ट में गिवन है कि वो उस वर्ड्स के एंड में आए. सो इन द वेरी फर्स्ट लुक एन टी. सो द वेरी फर्स्ट इज एंट, ए एन टी, एंट देखे ना, ए एन टी, एंट में लास्ट में क्या है, एन टी है ना, तो एंट मीन्स चुनटी. सेकेंड वन पेंट इज गिवन इन योर बुक्स. पेंट मीन्स जब आपकी सांस भूल जाती है. थर्ड वन इज कैंट, सी ए एन टी, कैंट, ये है जाविया. जब आप मैथ्स का काम करते हो, कोई एंगल दायरा बनाते हो ना, तो उसमें जाविया होता है, उसको कहते हैं कैंट. फोर्थ वन इज रैंट, रैंट मीन्स शीखी मारना, बड़ी बड़ी बातें करना. ओके, फिफ्थ वन इज सेंट, देखिए एस ए आई एन टी, एन टी पे एंड होता है ना, सेंट मीन्स बुजुर्ग या वली. सेकेंड वन है ए एन एन. अब आपने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो ए एन पे एंड होते हैं, ख़त्म होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ बैन, बी ए एन, बैन, बैन मीन्स पाबंदी लगाना, मना करना. सेकेंड वन इज़ कैन, कैन मीन्स मुमकिन होना, हम कहते हैं ना आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. थर्ड वन इज़ फैन, फैन मीन्स पंखा, सही ना, एफ ए एन, देखिए ए एन पे एंड है. फोर्थ वन इसमें गिवन है वो है देन, देन मीन्स बमुकाबला या से, हम कहते हैं ना शी इज़ ब्यूटिफुल देन यू, वो आप ये आपसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. फिफ्थ वन इज़ मैन, एम ए एन, मैन, देखिए ए एन पे ख़त्म होता है, मैन मीन्स आदमी. अच्छा, थर्ड वन जो है, ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स अब हमने लिखने हैं जो ओ एन ई पे ख़त्म होते हैं. सो फर्स्ट वन इज़ बोन, बोन मीन्स हड्डी, बी ओ एन ई, बोन मीन्स हड्डी. सेकेंड इज़ कौन, सी ओ एन ई, कौन, कौन ये सनोबर का एक पल होता है, उसको हम कहते हैं कौन, सनोबर दरख का नाम है. अच्छा, थर्ड वन इज़ गिवन, दिस इज़ फ़ोन, पी एच ओ एन ई, फ़ोन, तो ये सादा आवाज़ को कहते हैं या टेलीफोन का जो आला होता है टेलीफोन का, उसको हम कहते हैं फ़ोन. फोर्थ वन इज़ अलोन, ए एल ओ एन ई, अलोन, अलोन मीन्स अकेला या वाहिद. फिफ्थ वन इज़ नन, देखिए साउंड तो सेम नहीं देता लेकिन स्पेलिंग्स जो है लास्ट में ओ एन ई आता है, एन ओ एन ई, नन. नन मीन्स कोई नहीं, हम कहते हैं नन ऑफ यू, तुम में से कोई भी नहीं. फोर्थ वन जो है, ये हमने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जो ए टी पे एंड होते हैं. फर्स्ट वन एग्जांपल इज़ गिवन, दिस इज़ फ्लैट. फ्लैट कहते हैं सादा चीज़ को, सही है ना, जो सादा, हम कहते हैं हमवार को, एफ एल ए टी, फ्लैट. सेकेंड इज़ बैट, बैट वो होता है जिससे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो जिसे आप क्रिकेट खेलते हो या चमगादड़ को भी कहते हैं, द नेम ऑफ एनिमल, तो ए टी पे एंड है. ओके, एंडेड है. थर्ड वन इज़ कैट, सी ए टी, कैट, देखिए ए टी पे एंडेड है, बिल्ली. फोर्थ वन इज़ ओट, ओ ए टी, ओट, ये जो कि एक किस्म है, अच्छा, कानी की चीज़ है. एंड आर ए टी, रैट. फिफ्थ वन चूहा, ए टी पे एंडेड है. नंबर फाइव, हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो ए आर के पे एंडेड है. तो फर्स्ट वन है बार्क, बी ए आर के, बार्क. स्टूडेंट्स बार्क कहते हैं जानवर जब भूंगते हैं, उस भूंगते हैं उसको भी कहते हैं, या जब हम दरख्त से छिलका उतारते हैं तो हम उसको भी बार्क कहते हैं. सेकंड वन इज़ डार्क, देखिए ए आर के पे एंडेड है, डार्क मीन्स अंधेरा या तारीखी. थर्ड वन इज़ मार्क, एम ए आर के, मार्क, इसका मतलब है निशान. ओके, ए आर के पे ये भी एंडेड है. फोर्थ वन इज़ पार्क, पी ए आर के, पार्क, वो जगह जहाँ आप सैर के लिए जाते हो ना, उसको शिकारगाह को भी पार्क कहते हैं, या सब्ज़ाज़ार, सही है ना. पार्क में क्या होता है, ग्रीन ग्रीन वो होती है ना, प्लांट्स वगैरह होती है. फिफ्थ वन इज़ स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स सख्त या मजबूत, तो ये भी ए आर के पे एंडेड है. स्टूडेंट्स, वी आर डन विद एक्सरसाइजेज ऑन पेज 17. नाउ कम टूवर्ड्स पेज 18. दिस इज़ एक्सरसाइज ए, वोकैबलरी. Write the words that match the descriptions. Students, अब आपको यहाँ पर ये descriptions दी गई है ना, जो आपको बताते कि चीज़ क्या है, तो आपने अब क्या करना है, किसका नेम लिखना है, words beginning with E. अब आपको यहाँ पर ये sentences दी गई है और इसका जो मतलब आता है तो वो
वर्ड्स जो है वो ईट से स्टार्ट होते हैं, तो आपने वो लिखने हैं. ओके, द वेरी फर्स्ट इज यू सी विद दीज. यू सी विद दीज, आप इनसे देखते हैं या आप इनकी मदद से देखते हैं. सो द वर्ड इज आईज, आप अपनी आंखों के मदद से देखते हो ना, सो इट इज़ आईज. सेकेंड वन इज अराइव अहेड ऑफ टाइम. अराइव मीन्स पहुँचना, अहेड ऑफ टाइम वक्त से पहले. जब आप वक्त से पहले पहुँचते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड अर्ली. वट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अर्ली, जल्दी. थर्ड वन इज एनिमल विद अ ट्रंक. अब वो जानवर जिसका सोंड होता है उसको क्या कहते हैं? एलिफेंट. सही है ना, एलिफेंट भी ई से स्टार्ट होता है ना, सो एलिफेंट वो जानवर है जिसका ट्रंक होता है. फोर्थ वन इज टू गो इन समवेयर. जब आप कहीं पर दाखिल होते हो किसी जगह में तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं जब आप दाखिल होते हो? सो इट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश एंटर. वट इज़ इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एंटर, ई एन टी ई आर, एंटर, दाखिल होना. फिफ्थ वन इज़ पार्ट ऑफ योर आर्म. आपके हाथ का एक हिस्सा है, आर्म बाजू, आपके बाजू का एक हिस्सा है, उसको क्या कहते हैं? एल्बो, ई एल बी ओ डब्ल्यू, एल्बो, इसको कहते हैं हम एल्बो. ओके, अब इसी एक्सरसाइज ए का पार्ट टू जो है, अब आपने वो वर्ड्स जो है लिखने हैं जो एफ से स्टार्ट होते हैं, वर्ड्स बिगिनिंग विद एफ. ओके, सिक्स वन इज पर्सन हु मिल्क्स कॉज. पर्सन हु मिल्क्स कॉज, मिल्क्स कॉज का मतलब है जो गाय का दूध दोहता है. सही ना, वो शख्स जो गाय का दूध दोहता है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड फार्मर. फार्मर, एफ ए आर एम ई आर, फार्मर. ओके, जो फार्म में काम करता है, फार्म जिसको हम उर्दू में फार्म कहते हैं. सही ना, जहाँ पर आप जानवर एनिमल्स वगैरह पालते हो. सेवेंथ वन इज़ फाउंड स्विमिंग इन द सी. अब वो क्या चीज़ है जिसको आप फाउंड मीन्स पाना, स्विमिंग तैरती हुई, इन द सी समंदर में, कौन सी वो चीज़ है जो आप समंदर में इसको तैरती हुई देखते हो? सो दिस इज़ फिश. फिश, एफ आई एस एच, फिश, स्टार्टेड विद एफ. ओके, एट वन इज़ यू पुट अ सॉक ऑन इट. सॉक मीन्स जुराबे जो होते हैं. यू पुट अ सॉक ऑन इट, आप इसको क्या कहते हैं? जो सॉक्स होते हैं आप इसको पहनाते हो, तो वो कौन सी चीज़ है जिसको आप सॉक्स पहनाते? सो दिस इज़ फुट, पाव, जो आपका पैर होता है. इसे आप उसको वो क्या करते हो ना, सॉक्स पहनाते, और ये एफ से स्टार्ट होता है. नाइन्थ वन इज़ द नंबर आफ्टर थ्री. थ्री के बाद जो सा नंबर आता है जो एफ़ से स्टार्ट होता है, तो वो कौन सा है? सो इट इज़ फोर, एफ ओ यू आर, फोर. ओके, एफ़ से स्टार्ट होता है ना. टेंथ एंड लास्ट वन इज़ एप्पल्स, पियर्स, ऑरेंजेस. ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है जो एफ से स्टार्ट होती है, इन सब को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड फ्रूट्स, एफ आर यू आई टी एस, फ्रूट्स. ओके, स्टार्टेड विद एफ. स्टूडेंट्स, वी आर अटेंडिंग ऑन पेज 18 टूवर्ड्स एक्सरसाइज बी. दिस इज कॉम्प्रिहेंशन. रिंग द क्लोजेस्ट मीनिंग फॉर ईच वर्ड. अब आपको यहाँ पर क्या किया गया है, आपको वर्ड्स गिवन है और उसकी टू जो है आपको यहाँ पर मीनिंग्स गिवन है, लेकिन जो मीनिंग उसका क्या है, क्लोजेस्ट मीनिंग है, जो बिल्कुल इसके साथ मैच करना है, आपने उसको रिंग करना है. फर्स्ट वन इज़ वैंडर्ड. वैंडर्ड मीन्स घूमना, जिस तरह वो एलिफेंट जो था वो वैंडर्ड कर रहा था विलेज में. वेंडर्ड, सो वॉक्ड एंड शिवर्ड. वॉक्ड मीन्स चलना, शिवर्ड मीन्स कंधे उचकाना. सही है ना, तो यहाँ पर आता है वॉक्ड. वी हैव टू सर्कल इट. ओके, वेंडर और वॉक दोनों का मतलब है चलना. सेकेंड वन इज़ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम मसला, तो डिफ़िकल्टी एंड सोल्यूशन. डिफ़िकल्टी का मतलब भी है मुश्किल, सोल्यूशन का मतलब है हल निकालना. तो यहाँ पर प्रॉब्लम जो है उसके साथ डिफ़िकल्टी मैच हो रहा है, तो हम डिफ़िकल्टी को क्या करेंगे, डिफ़िकल्टी को हम वो करेंगे, सर्कल करेंगे. ओके, ओके. थर्ड वन इज़ इनफ. इनफ मीन्स काफ़ी. सो इनसफिशिएंट एंड सफिशिएंट. इनसफिशिएंट का मतलब है ना काफ़ी, एंड सफिशिएंट का मतलब है काफ़ी. सो यहाँ पर इनफ और सफिशिएंट का एक ही मतलब है. सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर सफिशिएंट को अंडरलाइन वो करेंगे, सर्कल करेंगे. ओके, फोर्थ वन इज़ एडल्ट. एडल्ट मीन्स जवान, ओल्डर पर्सन एंड चाइल्ड. चाइल्ड कहते हैं बच्चे को, ओल्डर पर्सन जवान जो शख्स होता है. तो एल्डर एंड ओल्डर पर्सन एंड एडल्ट का एक ही मतलब है, तो यहाँ पर हम ओल्डर पर्सन को सर्कल करेंगे. फिफ्थ वन इज़ चांस. चांस मीन्स मौका.
जिससे आप फ़ायदा उठाते हो ना। अपॉर्चुनिटी एंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहते हैं मसले को, अपॉर्चुनिटी मौके को कहते हैं फ़ायदे वाला मौका। तो यहाँ पर चांस और अपॉर्चुनिटी का एक ही मतलब है, तो हम अपॉर्चुनिटी को सर्कल करेंगे। सिक्स्थ वन इज़ अमेजिंग। अमेजिंग मीन्स वो चीज़ जिसकी आप तवक्को नहीं रखते और वो हो जाती है और आपको हैरान करती है। सो ही इज़ अनएक्सपेक्टेड एंड अनबिलीवेबल। अनएक्सपेक्टेड जिसकी आप तवक्को नहीं रखते, अनबिलीवेबल नाकाबिले यकीन। तो यहाँ पर आएगा अनएक्सपेक्टेड, सही है ना, जिसकी आप तवक्को नहीं रखते और काम हो जाता है, तो उसको हम अमेजिंग या अनएक्सपेक्टेड कहते हैं। नंबर सेवन्थ इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट जहीन को कहते हैं। सो हेयर इज़ द वर्ड क्लेवर। क्लेवर मीन्स होशियार या जहीन एंड फनी मजाहिया। तो इंटेलिजेंट एंड क्लेवर जो है इसका एक ही मतलब है, तो यहाँ पर हम क्लेवर जो है इसको सर्कल करेंगे। ओके एट वन इज़ सॉल्व। सॉल्व मीन्स जो आप हल वो करते हो, जिसका हल निकालते हो, जिस चीज़ को आप महफूज करते हो। फिक्स्ड, फिक्स्ड मीन्स किसी चीज़ का वो करना, सख्त करना या मुकरर करना। सेव्ड, बचाना हिफाजत करना किसी चीज़ का। तो यहाँ पर सॉल्व एंड सेव्ड का एक ही मतलब है, तो यहाँ पर हम सेव्ड को सर्कल करेंगे। ओके नाइन्थ वन इज़ इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल नाकाबिल यकीन। सो हेयर इज़ द वर्ड अनोइंग। अनोइंग मीन्स गुस्सा दिलाने वाला। एंड द सेकेंड वन इज़ अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल का भी मतलब है नाकाबिल यकीन। तो इनक्रेडिबल एंड अनबिलीवेबल का एक ही मतलब है, तो यहाँ पर हम अनबिलीवेबल को क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। टेंथ वन इज़ वेट। वेट मीन्स वज़न। सो हेयर इज़ द वर्ड डिले। डिले मीन्स किसी चीज़ में तखीर करना, देर करना। एंड हैवीनेस, हैवीनेस भारीपन। ओके तो वेट एंड हैवीनेस का एक ही मतलब है, तो यहाँ पर हम हैवीनेस को अंडर वो करेंगे, सर्कल करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, कम टूवर्ड्स एक्सरसाइज सी ऑफ पेज 18। दिस इज़ ग्रामर पोर्शन। अंडरलाइन द टू एक्स्ट्रा वर्ड्स इन ईच सेंटेंस। आपको हर सेंटेंस में जो है टू एक्स्ट्रा वर्ड्स गिवन है जो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो आपने उसको अंडरलाइन करना है। ओके फर्स्ट वन इज़ द क्लाउड्स मूव्ड स्लोली अंडर अक्रॉस द स्काई। अंडर का मतलब है नीचे, अक्रॉस का मतलब है किसी चीज़ के आमने सामने। बादल जो है वो आसमान की नीचे आहिस्ता से हरकत करते हैं। सो द क्लाउड्स मूव्ड स्लोली अंडर द स्काई। तो यहाँ पर अक्रॉस द जो है इसको हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि इसमें नहीं आता। सेकेंड इज़ व्हेन आई वाज लुक्ड आउट आउट द विंडो आई गॉट अ सरप्राइज। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैंने क्या किया, एक सरप्राइज मैंने पाया, सही है ना, तो एक हैरत की बात मैंने पाई। सो यहाँ पर विन आई वाज लुक्ड रॉन्ग आता है ग्रामेटिकली, सेमेंटिकली भी रॉन्ग है, मीनिंग भी नहीं देता, स्ट्रक्चर भी इसका रॉन्ग आता है। सो यहाँ पर विन आई लुक्ड आउट आएगा। ओके तो वाज को हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, और आउट द विंडो में एक इस एक आउट को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमारे साथ इस तरह आएगा, व्हेन आई लुक्ड आउट द विंडो आई गॉट अ सरप्राइज। ओके थर्ड वन इज़ वी ऑलवेज साइकिल ऑन द बाईसाइकिल पाथ। वी ऑलवेज साइकिल ऑन द बाईसाइकिल रोड। ओके तो यहाँ पर हम इस एक ऑन और लास्ट में पाथ को अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ग्रामेटिकली एंड सिमेंटिकली रॉन्ग है। वी ऑलवेज साइकिल, हम हमेशा साइकिल चलाते हैं ऑन द बाईसाइकिल रोड। ओके बाईसाइकिल रोड पर हम साइकिल चलाते हैं। फोर्थ वन इज़ शी पेंटेड एंड द वॉल्स वाइट दिस समर। तो यहाँ पर एंड और आ जो है सिमेंटिकली एंड ग्रामेटिकली रॉन्ग है, तो यहाँ पर आता है शी पेंटेड द वॉल्स वाइट दिस समर। ओके उसने इस गर्मी में दीवारों को वाइट कलर से पेंट किया। एंड और आ को हम अंडरलाइन करेंगे। फिफ्थ वन इज़ वुड एफ यू मेक मी अ कप हॉट ऑफ टी प्लीज। क्या मुझे आप एक चाय का गर्म कप बना कर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली सेमेंटिकली जो है वो रॉन्ग है इफ और हॉट। तो यहाँ पर आएगा वुड यू मेक मी अ कप ऑफ टी प्लीज़। क्या आप मुझे चाय का कप बना के दे सकते हैं। वुड एफ यू जो है रॉन्ग आता है, तो यहाँ पर एफ़ को हम अंडरलाइन करेंगे और कप के बाद हॉट को हम अंडरलाइन करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज इज डी, दिस इज डिक्टेशन. अ पैसेज विल बी रेड अलाउड, राइट द टेक्स्ट एक्यूरेटली. एक पैराग्राफ हम लिखेंगे आपके टेक्स्ट से, इसको हम लाउड तेज़ आवाज़ के साथ इसको हम रीड करेंगे और आपने बिल्कुल उसको सही लिखना है अपने रफ नोटबुक में. अच्छा, सो द पैसेज इज द पीपल वेट, द पीपल वेट द स्टोन्स, द पीपल वेट द स्टोन्स वन बाय वन, वन बाय वन. लोगों ने एक एक स्टोन का क्या किया, वजन मालूम किया. द ओल्ड मैन रोट डाउन ऑल द वेट्स, एक बूढ़े आदमी ने तमाम वजन लिख लिए. नाउ एट द वेट ऑफ ऑल द स्टोन्स, अब तमाम पत्थरों का जो वजन है उसको जमा करो. एंड यू विल नो द वेट ऑफ द एलिफेंट, और आप हाथी का वजन जान सकोगे. सेड द गर्ल, लड़की ने कहा. स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वेरी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट. दिस इज एक्सरसाइज ई स्पेलिंग. 10 वर्ड्स विल बी रेड अलाउड. अब आपने 10 वर्ड्स लिखने हैं टेक्स्ट से और उसको तेजी से बोलना है, रीड करना है. लेसन एंड राइट देम करेक्टली, आपने उसको सुनना है और लिखना है करेक्टली, बिल्कुल सही. नंबर वन इज वेट, WEIGHED, वेट, वजन मालूम किया. सेकेंड वन इज एग्जैक्टली, वट इज इट, एग्जैक्टली, EXACTLY, एग्जैक्टली. थर्ड वन इज एडल्ट्स, वट इज इट, एडल्ट्स, ADULTS, एडल्ट्स मीन्स जवान. फोर्थ वन इज एलिफेंट, वट इज इट, एलिफेंट, हाथी, ELEPHANT, एलिफेंट. फिफ्थ वन इज चांस, वट इज इट, चांस, अमेरिकन इंग्लिश में यह है चांस, ओके, CHANCE, चांस, मौका. सिक्स्थ वन इज क्लैप्ड, वट इज इट, क्लैप्ड, CLAPPED, क्लैप्ड, तालियां बजाना. सेवन्थ वन इज अमेज्ड, वट इज इट, अमेज्ड, हैरान हुए, AMAZED, अमेज्ड. एट वन इज स्टोन्स, वट इज इट, स्टोन्स, STONES, स्टोन्स, पत्थर. नाइन्थ वन इज मार्क, MARK, मार्क, निशान. एंड द वेरी लास्ट इज स्केल, वट इज इट, स्केल, SCALE, स्केल, पैमाना, जिसे आप पैमाइश करते हो चीज़ों का.